Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear friends, today I just start a video that is the regarding to fat metabolism and the carbohydrate metabolism. प्रिय छात्र, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में और कार्बोहाइड्रेट माइटो मेटाबॉलिज्म के बारे में। अभी फिलहाल जो हम आज की वीडियो जो होगी, इसमें सिर्फ सिर्फ हम आपको समझाने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको समझाएंगे कि फैट की मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कैसे होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करें ना, तो ये अलग अलग स्टेप में होता है। जैसे आप पढ़े होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ इतना सीखना है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है और ईटीएस क्या होता है। ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस है ना, ये तीनों स्टेप्स होते हैं। ये वास्तव में एक शब्द कहें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन फैट मेटाबोलिज्म की बात करें ना, तो फैट मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन आता है, अल्फा ऑक्सीडेशन आता है और हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैटी एसिड आता है। तो फिलहाल फैट का हाइड्रोलिसिस या फिर फैट का जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज हम लोग को मेनली फोकस किस पे करना है, तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें कि यदि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को पढ़ें तो उसमें सबसे पहला ही स्टेप आता है, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। और एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंटर से पढ़े हुए हैं, बीएससी में पढ़े हुए हैं आपने ये चीजें, कि जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में जो पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी तीन साइंटिस्ट एम्बडेन, मेयरहॉफ और पारनास ने किया था। और उन्होंने इस बात को भी बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है ना, वो दो पाइरूविक एसिड में टूटता है। Thus we can say that one glucose molecule is the converted into the two pyruvic acid, that is known as the glycolysis. And the process of the glycolysis was the first of all discovered by three scientists, that is known as the Amadeus, Meyerhoff and the Parnas. आपको इतनी चीजें, जनरल चीजें आपको याद होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें साइकिल आपको समझ में आएगा। एक बार और थोड़ा सा आपके लिए रिकॉल कर लेते हैं, इस साइकिल की डिस्कवरी किसने किया था, तीन साइंटिस्ट, एमेडेन, मेयरहॉफ और पारनास ने। ग्लाइकोलिसिस कहता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे दो पाइरूविक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप जो आपका ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है या फिर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने पाइरूविक एसिड में टूटते हैं और नेट गेन ऑफ एटीपी क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, आपको चंद मिनटों में समझ में आ जाएगी। यदि ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप की बात करें ना, तो पहला स्टेप ही कहता है क्या कि द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप, इन विच द फर्स्ट स्टेप इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले स्टेप में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या फिर सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये जो है ना स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम से रिएक्शन करता है तो इसके 6 कार्बन एटम पे ये हाइड्रोजन हट जाता है और इसके जगह पे क्या आ जाता है, तो फास्फोरस आ जाता है। अरे भाई, तो 6वें कार्बन नंबर पे ना फास्फोरस आया, इसीलिए इस तरीके के ग्लूकोज को हम लोग 6 फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। पहले स्टेप में हुआ क्या कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास 6वें कार्बन पे क्या आ गया, ग्लूकोज के जगह हाइड्रोजन के जगह पे फास्फोरस आ गया, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और एक बात याद रखे रहेंगे, ये वास्तव में 6वें कार्बन नंबर पे जो फास्फोरस आ रहा है वो आ कहां से रहा है, इन दिस प्रोसेस द एटीपी इज द ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी ब्रेक डाउन करता है एंड द फास्फोरस आर द रिलीज्ड आउट, और इसी में क्या होता है, फास्फोरस, एक फास्फोरस रिलीज होता है। आप बताओ, जब 3 रहता है तो ट्राई और 2 रहता है तो डाई, जाहिर सी बात है 3 है तो ट्राई है, लेकिन इसमें से एक जब रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वास्तव में क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोजन मॉलिक्यूल, ग्लूकोजन इज द कन्वर्टेड इन द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप आपको बहुत आसान है, आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है क्या, ग्लूकोज
और ग्लूकोज के सिर्फ और सिर्फ छठवें कार्बन पे हमें क्या करना है, फास्फोरस जोड़ देना। ये यदि फास्फोरस जोड़ दोगे ना तो यही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इन दिस प्रोसेस एंजाइम और द रिक्वायर्ड दैट इज द एंजाइम इज नोन एज द हेक्सोकाइनेस एंजाइम। देखो इस प्रोसेस के समय में एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सोकाइनेस एंजाइम के नाम से जानते हैं। This is all the process. That is the first step of the glycolysis. यही जो पहला step है, जिसमें एक ATP की requirement होती है और एक phosphorus atom बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ATP, adenosine diphosphate का formation होता है। चलिए अब एक बात याद करें ना, दूसरे step की बात करते हैं। देखो ये क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था। ये ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है, इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। दस वी कैन से डेट इन दिस द प्रोसेस द आइसोमेरिज्म आर अपर। इस प्रोसेस में क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। और आइसोमेरिज्म क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और इसी चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है, चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था और ये क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बस क्या हुआ, अरे भाई फेस बदल गया तो नाम भी बदल गया। जैसे मान लीजिए अभी जो है मेरा ही फेस का कटिंग दुर्गा जी के मूर्ति के किनारे लगा दिया जाए और वहां पे थोड़ा सा मिट्टी से मेरा फेस बना दिया, तो सभी लोग आकर के पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग समझेंगे कि ये रावण है, या फिर ऐसे करके समझेंगे। बस हमने क्या किया, यदि हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज किया तो इसका नाम भी चेंज हो गया। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए अभी हम है टेम्पो चलाते, सभी लोग बोलते टेम्पो वाले, रिक्शा चलाते रिक्शा वाले। अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे तो आप हमें टीचर्स बोल रहे हैं, और आपके साथ घूमे तो आप हमें फ्रेंड्स कहेंगे। सेम टू सेम ऐसे, बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे देखिए ये जब स्ट्रक्चर ऐसा था, देन इट इज कॉल्ड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तभी से हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और आपका स्ट्रक्चर बस चेंज हो गया तो इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और याद कर लेना, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरिज्म होता है, इन दिस प्रोसेस दैट एंजाइम और द रिक्वायर इज नोन एज द आइसोमेरेज एंजाइम। इस केस में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आइसोमेरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी चीजें में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने आपको पहला स्टेप बताया, और पहले स्टेप में क्या किए थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाए थे, और दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड इन दिस प्रोसेस दैट आर द एंजाइम और द रिक्वायर दिस एंजाइम इज नोन एज द आइसोमेरिज्म एंजाइम। इतना चीज है, आपको दो स्टेप में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि अगले स्टेप की बात करें ना, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, बात समझना, अब जाहिर सी बात है हम आपको फास्फोरस चाहिए, तो यदि फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस के लिए एटीपी भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, बात समझना, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब छठवें कार्बन नंबर पे जो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, अब क्या होता है, वास्तव में ये पहले कार्बन नंबर पे भी फास्फोरस जोड़ना रहता है। अरे भाई पहले स्टेप में जब एक एटीपी टूटा था फास्फोरस के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी एटीपी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस हमें जोड़ना है कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पे। जब कार्बन नंबर 1 पे आपको फास्फोरस जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस में एटीपी टूटेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, और एक फास्फोरस रिलीज कर देगा। किसको दे देगा, तो इस फ्रक्टोज को दे देगा। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसके कार्बन नंबर 6वें पे फास्फोरस था ना, लेकिन इस फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6वां और पहला दोनों पे फास्फोरस है, और 2 है, तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं 22 या फिर 20 यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट। 16 का मतलब क्या, कार्बन नंबर 1 और 6 पोजीशन पे, दोनों पे 2 फास्फोरस एटम मौजूद है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट। कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद कर लीजिएगा, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट के फॉर्मेशन के समय एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज फास्फोफ्रुक्टेज एंजाइम। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उसमें जो था आइसोमेरेज था और इसमें होगा फ्रक्टोज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट आर द कन्वर्टेड द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट। कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखना ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, जो अगला स्टेप में रिएक्शन करने की कोशिश करता है, वो जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल टाइप का होता है, और इरिवर्सिबल होने के कारण ये जो फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट है ना, ये 2 तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे देखना, इसे हाफ इधर कट जाता है और आधा जो है इधर कट जाता है, तो जो 2 तरीके के कंपाउंड बनते हैं फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट में से,
जिसमें से पहले कंपाउंड का नाम है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। और दूसरे वाले का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों बहुत ही आसान नाम है, थोड़ा सा आप मेरे साथ दो बार पढ़ लो। पहले वाले का नाम क्या है? ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। और दूसरे वाले का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों आपको याद होना चाहिए, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस को याद कर लीजिए। जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट होता है ना, इसके कार्बन नंबर तीसरे से, यहाँ पे देखिए A1, 2, 3 कार्बन नंबर तीसरे से क्या लगा हुआ? फॉस्फोरस एटम लगा हुआ है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे कीटोनिक ग्रुप लगा है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। इसमें भी देखिए, इसका भी नाम है ना ग्लिसरलडिहाइड एसीटोन फॉस्फेट, इसके भी कार्बन नंबर 3 से लगा हुआ है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या, कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। यही मेन डिफरेंसेस है इन बिटवीन द ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इतनी चीजें आप याद रखे रहेंगे। हमने आपको समझाया क्या कि जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट होता है, तो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट होता है, दैट इज द डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सेकंड टू टाइप ऑफ द एंजाइम, टू टाइप ऑफ द मटेरियल्स, दैट इज फर्स्ट इज नोन एज द ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट व्हाइल द सेकंड इज नोन एज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दोनों में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात समझना, असल बात ये है ना कि हमारी जो सेल होती है, जो साइटोसोल होती है या फिर साइटोप्लाज्म होती है, उस साइटोप्लाज्म में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? तो याद कर लीजिएगा, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट का। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता भी है कि हमारे सेल्स में इन दोनों में कंसंट्रेशन किसका होता है ज्यादा, तो इसका, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट का, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता। इसका नाम क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यही कारण है कि हमेशा ही ग्लाइकोलिसिस को जब आगे रिएक्शन को बढ़ाना लगता है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाता है। रिएक्शन को आगे कौन बढ़ाएगा? तो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट ही बढ़ाएगा। एक बार क्वेश्चन ऐसे पीएमटी में पूछा हुआ था कि विच आर द रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट कॉजेस द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, मतलब कौन ऐसा मटेरियल है जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड में क्रिएट करता है। ऑप्शन 3-4 दे दिया था, जिसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ था ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। और इसको आप बिल्कुल याद किए रहेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आसानी हो। तो अब एक बात बताओ, ये जो ग्लिसरलडिहाइड जो 3-फॉस्फेट है रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। और एक बात और भी समझना, ये दोनों जो एंजाइम है ना एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेड होते हैं। जब रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन हमारे सेल में ज्यादा होती है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। और एक बात समझना, जैसे रिएक्शन को आगे बढ़ाता है तो अगले स्टेज को हम लोग पे ऑफ फेज के नाम से जाना था। अगले स्टेप को क्या कहते हैं? पे ऑफ फेज के नाम से जानता है। आइए इसको समझते क्या होता है। ये जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये कहां पे चला गया? पे ऑफ फेज में, दूसरे वाले फेज में चला गया ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। अब एक बात समझना, यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट। सेकंड फर्स्ट कहने का मतलब है कि यही रूप है, ये इससे कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट करके चला गया दूसरे वाले फेज में। अब आइए हम लोग समझते हैं कि डाइहाइड्रोक्सी 3-फॉस्फेट जो है वो आगे की तरफ रिएक्शन पी ऑफ फेज में कैसे करता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है, बात समझिए, ये जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, ये ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ये किस में कन्वर्ट होगा? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, एक दो बार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ये याद नहीं होता है, क्योंकि ये है बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री बार बार लिखने पर ही आपको याद होता है। आप सोचेंगे कि बिना लिखे ही हम इसे याद कर लें तो जिंदगी में कभी नहीं याद होगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दैट इज द केस इन विच द ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट इज द कन्वर्टेड इनटू द 1,6-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,6-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। और इस केस में याद रख रहेंगे, यही गेन ऑफ फेस है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस केस में जो दो फास्फोरस एटम बाहर निकले रहते हैं वो फिर से आकर के एनएडी के साथ रिएक्शन करते हैं। आप देख रहे थे उधर की तरफ फास्फोरस एटम बाहर की तरफ निकल रहा था, एटीपी टूट रहा था,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो फास्फोरस एटम निकले हुए हैं उसी तरीके से दूसरे फास्फोरस एटम आकर के यहाँ पे एनएडी के साथ जुड़ेंगे, और एनएडी के साथ जुड़ेगा तो आप खुद ही सोचो एनएडी तो बनेगा प्लस दो फास्फोरस भी जुड़ेगा ना, तो इसलिए इस तरीके के फार्मूला को हम लोग कहते हैं एनएडीएच प्लस एच प्लस, NADH plus H plus के नाम से जाना जाता है। वास्तव में NAD है क्या? तो ये एक प्रकार का कोएंजाइम होता है that is act as a catalyst for the reaction is the forward direction, जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने में मदद करता है। हमने आपको सॉरी 1,6-5 फॉस्फेट ग्लिसरेट हमने बनाना सिखा दिया। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्टेप की यदि बात करें ना, ये बहुत ही आसान स्टेप है। इसमें हम लोग को करना क्या है, बस एक एटीपी, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे एनएडीएच प्लस एच प्लस बन रहा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, अब बनेगा एटीपी। और ऊपर की तरफ आप क्या देख रहे थे, एटीपी टूट रहा था, लेकिन यहाँ पे बन रहा क्या रहा है, अब एडीपी बन रहा है। वहां पे टूट रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। और इस रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं 1,6-20 फास्फेट ग्लिसरेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फेट ग्लिसरेट। इसे 3 PGA कहते हैं, इसे 1,3 DIPGA कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में 1,3 DIPGA भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, 1,3-20 फास्फेट ग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 फास्फेट ग्लिसरेट में। इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ध्यान में रहे। इसका फॉर्मूला आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। अब एक बस चंद स्टेप और भी बच चुके हैं, थोड़ा सा आप बात समझिए तब जाकर के अगले स्टेप समझ में आएंगे। जो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, मतलब 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ है, तो इस केसेस में जो 2 एडीपी है वो 2 फास्फोरस को लेकर के क्या बनाएंगे, एडीपी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बात समझिए, ये जो फास्फोग्लिसरेट है 3 फास्फोग्लिसरेट, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरेट में। इस रिएक्शन में एक और भी फास्फोरस बाहर निकलता है, देखो 3 फास्फोग्लिसरेट था, इसमें क्या हो गया 2 फास्फोग्लिसरेट, जो फास्फोरस एटम था वो तीसरे कार्बन नंबर पे था, इसमें क्या हो गया दूसरे कार्बन नंबर पे चला आया। और लास्ट यदि बात करें तो ध्यान में रखना, ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट 1H2O को रिलीजिंग के बाद। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, 1H2O यहाँ से रिलीज कर देगा, यहाँ से ऐसे करके 1H2O, ये वाला OH और ये वाला H क्या कर देगा, H2O के फॉर्म में रिलीज कर देगा, और H2O रिलीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया हुआ है H2O के रिलीजिंग को, जिसे कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरुवेट। और इस फास्फोइनॉल पाइरुवेट से अंततः आपके 2 पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि पाइरुविक एसिड के फॉर्मूला आप याद करना चाहें तो बिल्कुल यहाँ से देख करके आप याद कर सकते हैं। एटोल आपने देखा क्या, इस पूरी प्रोसेस में जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो कितने पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो 2 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हमने आपको समझाया ही क्या था कि जो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। आप थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, हमने तो आपको सिर्फ आज में मतलब ग्लाइकोलिसिस ही समझाया, लेकिन अगली जो भी क्लासेस होगी उसमें हम आपको क्रेब्स साइकिल और ETS भी समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान में रहे, थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग भी थोड़ा बोलने का, यहाँ पे कुछ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उन लोगों से भी थोड़ा सा चाहेंगे बोलेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, इन लोगों को भी समझ में आए। आप देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 पर, थोड़ा तेज बोले, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। इस केस में ब्रेकडाउन किसका हुआ था, एडीपी का। अरे भाई एटीपी किस में टूटा था, एडीपी। बस इतना ही तो करना है, पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब एक बात समझो, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। याद करो, आपको भी नहीं याद हो रहा, इन लोगों को भी नहीं याद हो रहा, यदि ये लोग बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जो ऊपर वाला रिएक्शन था वो किस में चेंज हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब बताओ फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। एंड नाउ फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट इज द कन्वर्टेड इनटू द 2 कंपाउंड दैट इज नोन एज द ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट एंड द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। हमने आपको बताया क्या, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट है 2 कंपाउंड में टूटेगा, और दोनों कंपाउंड में पहले वाले का नाम क्या है, ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट। एक बार और बोलो, ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट। और अगला क्या है, डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन।
ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगले की बात करें ना तो ये दोनों कंपाउंड, जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों ये आपस में इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं, लेकिन कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाती है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है जिस स्टेप को हम लोग कहते हैं पे ऑफ फेजेस। और इस फेज में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आने के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट। याद कर लीजिए, बताओ ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट। एक बार और, 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट। एक बार और पढ़ो, 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट। याद हो जाएगा ना, कितने मॉलिक्यूल में टूटा? दो। अब एक बात और भी याद कर लो, ये जो 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो जाएगा? तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अरे भाई देखो, इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इसमें कार्बन नंबर यहाँ पे मौजूद है OH, है ना, और यहाँ पे कहाँ? यहाँ मौजूद है। यहाँ पे फास्फोरस, देखिएगा फास्फोरस है कौथे कार्बन पे यहाँ पे, लेकिन इसमें फास्फोरस यहाँ पे मौजूद है। तो बस जो है ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में चेंज हो गया? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है अंततः चला जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और लास्ट में क्या बन जाता है? पाइरुविक एसिड का फॉरेसिस बन जाता है। हमने ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही आपको समझाया था, द प्रोसेस बाय विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द कन्वर्टेड इनटू द 2-पाइरुविक एसिड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही क्या होता है कि जो पाइरुविक एसिड होता है वो, सॉरी, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा क्रैब साइकिल और ATS, इसीलिए आप इंतजार करते रहिएगा वो वीडियो कब आता है। थैंक यू सो मच।